Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Children, today we recite lesson 8: Wake up, which is given in your uh, class 5th, lesson 8. So, are you ready? Listen carefully. Wake Up, wake up. It's a lovely day. Oh, please get up and come to play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Wake up, wake up. It's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's must too late to lie in bed, so hurry up you sleepy head. Wash and dress and come on out, everyone is and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, chip, chip, chip. Wake up, wake up. सो so चिल्ड्रेन आओ अब हम इस लेसन का मीनिंग समझते हैं इसके जो फर्स्ट फोर लाइंस हैं इन लाइंस की मीनिंग है वैकअप वैकअप इट्स अ लवली डे इसका मतलब क्या है जागो जागो यह एक प्यारा दिन है ओ प्लीज गेट अप एंड कम टू प्ले ओ oh, प्लीज उठो और खेलने आओ द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीस इन अलाइनस का क्या मीनिंग है पक्षी पेड़ पर गा रहे हैं और तुम मधुमक्खियों की बिन भीन बिन आहट भी सुन सकते हो जैसा कि मधुमक्खियाँ जब उड़ती हैं और जो आवाज़ होती है उसे कहते हैं बजिंग मतलब भिन भिन आहट ठीक है पोएट नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है जागो जागो यह एक प्यारा दिन है ओ प्लीज गेट अप ओ कृपया उठ जाओ एंड कम एंड प्ले और बाहर आओ और खेलो इट्स मस्ट टू लेट टू लाई इन बेड कहता है आगे कि बिस्तर पर लेटे हुए बहुत देर हो चुकी है और तुम उठ ही नहीं रहे हो, इसलिए जल्दी करो और निड्रा लो बच्चे मतलब स्लीपी हेड मतलब जो एकदम उंघाया हुआ सोया हुआ रहता है उसे कहते हैं वॉश एंड ड्रेस एंड कम आउट मतलब क्या कह रहे हैं उठो नहा धो लो और अच्छे कपड़े पहन लो और बाहर आ जाओ एवरीवन इज अप एंड अबाउट द काऊ द हॉर्सेस द डक्स एंड द शीप द टाइनीस्ट चिकन चीप 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 पोएट कहता है कि तुम नहा धोकर कपड़े पहनकर बाहर आओ और देखो गाय घोड़े बतखें, भेड़ें और छोटे मुर्गी के चूजे भी चू चू की आवाज करते हुए सब कोई बाहर आ चुके हैं तो वेक अप, मतलब तुम भी जाग जाओ ठीक है बच्चों आओ अब हम इस लेसन के कुछ न्यू वर्ड समझते हैं जैसे वैकअप वैकअप का क्या मतलब हुआ अब तो तुम समझ गए होगे। का मतलब हुआ उठना या जागना ठीक है नेक्स्ट वर्ड है लवली लवली मतलब होता है प्यारा बजिंग बताया था ना मैंने पो, पोयम पढ़ते हुए बजिंग मतलब भिन्न भिना हाट. जो मक्खियों या मधुमक्खियों के उड़ने से आवाज होती है वो उसे हम बजिंग कहेंगे ठीक है स्लीपी स्लीपी मतलब उंघाया हुआ हेड मतलब सिर टाइनेस्ट मतलब छोटा बेड बेड मीन्स बिस्तर चिल्ड्रेन so अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं इसमें क्या करना है तुम्हें रीड एंड राइट कंप्लीट द आंसर्स इसमें तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिए हैं और उसके आंसर्स भी दिए हैं लेकिन आंसर्स कंप्लीट नहीं हैं जहाँ पर तुम्हें उसे कंप्लीट करना है अब देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है बाय वाट नेम डज द पोएट कॉल इन द चाइल्ड आंसर में इसके क्या है द पोएट कॉल्स द चाइल्ड टेस्ट 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 अब इसका आंसर क्या हो सकता है याद करो इसका आंसर है द पोएट कॉल्स द चाइल्ड स्लीपी हेड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट टू अर्ली फॉर द चाइल्ड टू गेट अपर क्या है नो इट इज टू लेट टू टैस टैस इन बैट कौन सा वर्ड आना चाहिए यहाँ पे वेरी गुड यहाँ इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम लाई लिखेंगे तो क्या सेंटेंस होगा ये नो इट इज टू लेट टू लाई इन बैट नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एनिमल्स एंड बर्ड्स हु आर ऑलरेडी अवेक याद है ना कौन कौन से एनिमल्स एंड बर्ड्स उस टाइल से पहले ही उठ गए हैं वेरी गुड आंसर इज द काऊ हॉर्सेस डग शीप एंड चिकेन आर ऑलरेडी अवेक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डज द पोएट आस्क द चाइल्ड टू डू बिफोर गोइंग आउट क्या इसका आंसर इसमें देखो आंसर में क्या दिया हुआ है द पॉइंट आस्क द चाइल्ड टू टैस 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 एंड टैच टैस कौन कौन से वर्ड्स आएंगे यहां पर वेरी गुड यहाँ पे वॉश एंड ड्रेस हम फिल करेंगे तो ये सेंटेंस क्या कम ये कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा यह कंप्लीट सेंटेंस बनेगा द पोएट आस्क द चाइल्ड टू वॉश एंड ड्रेस ठीक है नेक्स्ट वाला है हु आर द टू गेट अप आंसर में क्या दिया है द टाइनेस्ट वंस टू गेट अप आर द टेस्ट टेस्ट अब इस जगह पे क्या वर्ड आना चाहिए यहाँ पे चिकन आएगा तो सेंटेंस बनेगा द टाइनेस्ट वंस टू गेट अप चिकन नेक्स्ट एक्सरसाइज जहाँ तुम्हें कुछ वर्ड्स की मदद से इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है तो क्या है ये फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड गिवेन इन दॉक्स अब कौन कौन से वर्ड्स हैं वो वैक्स लवली हरी बजिंग और फर्स्ट सेंटेंस क्या है यू हैव टेस्ट टेस्ट ड्रेस तो कौन सा वर्ड हमें यहाँ से लेना चाहिए वेरी गुड यहाँ करेक्ट वर्ड आएगा लवली सेंटेंस बनेगा यू हैव लवली ट्रेस नेक्स्ट आई डोंट लाइक द टै टै टैस साउंड ऑफ द बीज और ड्रैगन फ्लाइज कौन सा वर्ड इस सेंटेंस में फील होगा वेरी गुड इसमें आएगा बजिंग कौन सा सेंटेंस बनेगा ये आई डोंट लाइक द बजिंग साउंड ऑफ द बीज और ड्रैगन फ्लाइज थर्ड इज डैश 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 अप और वी विल बी लेट अब कौन सा वर्ड यहाँ पे हम फिल करेंगे वेरी गुड यहाँ पर वर्ड आएगा हरी तो हरी अप और वी विल बी लेट यहां पे जब हम लिखेंगे तो H हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है ठीक है अब नेक्स्ट वाला है माई ग्रैंड मदर टेस्ट टेस्ट डैश मी अप एवरी डे इसमें आंसर में हम क्या लिखेंगे अब तो देख रहे हो एक ही वर्ड बचा है और वो है वैक्स तो ये कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा माई ग्रैंड मदर वैक्स मी अप एवरी डे ठीक है अब देखो अब चिल्ड्रेन मैं तुम्हें कुछ होमवर्क दे रही हूँ इसे तुम घर पर रहकर कर सकते हो क्या करना है तुम्हें मैच द वर्ड एंड मेक मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ए कॉलम में कौन कौन से वर्ड्स हैं गेट गो कीप वर्क और बी कॉलम में दिए हुए वर्ड से इन्हें मैच करना है और एक मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन बनाना है जैसे मैं तुम्हें एक करके बताती हूँ तो क्या होगा देखो गेट रेडी ठीक है अब बाकी के भी सेंटेंसेस तुम खुद बनाओ लुक एट दिक्चर एंड राइट अबाउट इट तुम्हें दिए गए पिक्चर को देखना है और सोचना है ये किसके बारे में है और यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखना है जैसे देखो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताती हूँ हम इस पिक्चर के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं मैने पीपिल आर देयर इन द मार्केट लग रहा है ना मार्केट वाला सीन तो इसके लिए एक सेंटेंस ही हो सकता है बाकी और भी तुम इस तरह से सोचो और लिखो ठीक है चिल्ड्रेन रेन जल्दी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब तक के लिए गुड बाय